हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समर्स आ चुकी हैं और समर्स आते ही हमारी स्किन पर हो जाता है अटैक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का, यानी कि टैनिंग, पिंपल्स, रिंकल्स, फाइन लाइंस, ब्लैमिशेस और न जाने पता नहीं कितनी तरह की प्रॉब्लम्स जो होती है ना, बस ऐसा लगता है कि गर्मियाँ आते ही सारी चीज़ों का अटैक हो चुका है हमारी स्किन पर, राइट। तो इन सभी चीज़ों का मैं एक सोल्यूशन लेकर आई हूँ, वो भी सिर्फ एक फेस पैक में। और ये फेस पैक इतना ज़्यादा अमेजिंग है गाइस, जिससे आपके एक्ने, पिंपल्स, रिंकल्स, फाइन लाइंस, ब्लेमिशेस, एक्ने डार्क स्पॉट और ऑयली स्किन, ओपन पोर्स, इन सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलने वाला है सिर्फ इस एक फेस पैक में। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिए दोस्तों मेरे साथ और चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए एक क्लीन बाउल ले लीजिए और इसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। और ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, आप भी चाहें तो किसी भी आपको बाहर से शॉप पे मिल जाएगा, ग्रोसरी शॉप से ले लीजिए, ये टुकड़ों में आपको मिलेगी और आप घर पर भी इसका जो पाउडर है मिक्सर में बनाकर रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक चम्मच दही, ये देखिए। नेक्स्ट हम इसमें लेंगे ग्रीन टी, मैं यहाँ पर टेटली का ग्रीन टी ले रही हूँ, आप चाहें तो किसी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। एक कप पानी ले लीजिए और उसमें ग्रीन टी का एक सेशे आप उसमें इस तरह से रखकर इसका ग्रीन टी आपकी तैयार हो जाएगी, तो ये देखिए। और ये ग्रीन टी का पानी हम लेंगे इस फेस पैक में, तो आपने उतना ही ऐड करना है जितना कि इसमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ना ही ज़्यादा पतली हो ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है, ये देखिए। और अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और जब आप ये फेस पैक अप्लाई करें अपने फेस पर तो आपके फेस पर कोई भी मेकअप नहीं लगा होना चाहिए, आपका फेस एकदम से क्लीन होना चाहिए। तो चलिए अब मैं इस फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पर इस वक्त कोई भी मेकअप नहीं लगा हुआ है, ये देखिए। तो चलिए अब मैं इस एक ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर ये फेस पैक लगा लेती हूँ, आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। दानी मिट्टी एक बहुत ही अच्छा क्लिंजर की तरह काम करता है, प्लस आपकी स्किन से जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ होती है उसे रिमूव करती है और आपकी स्किन में ठंडक पहुंचाती है, पिंपल्स को दूर करती है, फाइन लाइंस, रिंकल्स को भी दूर करती है। और ऑयली स्किन वालों के लिए ये मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक सबसे बेस्ट है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपके फेस पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो आप इस फेस पैक को डेफिनेटली ट्राई करिए। और दही जैसे कि मैंने इसमें ऐड किया है तो दही भी आपकी स्किन में ठंडक पहुँचाती है। समर्स में दही के फेस पैक बहुत अच्छे माने जाते हैं और दही एक बहुत अच्छे क्लिंजर का भी काम करता है। दही आपके डार्क स्पॉट को रिमूव करता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स को दूर करता है, आपकी स्किन में ठंडक भी पहुंचाता है और आपकी स्किन में जितनी भी गंदगी होती है उसे भी ये दूर करती है। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ग्रीन टी की। जैसा कि आप जानते हैं ग्रीन टी एक टोनर का भी काम करता है, ग्रीन टी एक बहुत ही अच्छा टोनर होता है। ग्रीन टी हमारी स्किन से एक्ने, पिंपल्स को दूर करती है, प्लस हमारी स्किन के जितने भी ओपन पोर्स होते हैं यानी कि खुले रोम छिद्र होते हैं उन्हें क्लोज करती है। और एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये बेस्ट फेस पैक है। एक्ने प्रोन स्किन के लिए ग्रीन टी गाइस बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देती है। अपने आईज के आसपास भी लगा लीजिए इस फेस पैक को अच्छे से, क्योंकि इसमें जैसा कि ग्रीन टी है और ग्रीन टी डार्क सर्कल्स रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ग्रीन टी आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती है, हेल्दी लुकिंग बनाती है, आपकी स्किन में जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज होती है उसे दूर करती है और आपकी स्किन में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसे फ्लश आउट करती है। और इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपकी स्किन में जो भी रेडनेस है, इरिटेशन है, इचिंग है, कुछ भी अगर आपकी स्किन में ऐसा कुछ होता है तो ये उसे रिड्यूस करती है और एक्ने रिंकल्स को भी ये खत्म करती है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। तो देखा आपने कितने सारे बेनिफिट्स हैं इस ग्रीन टी के। तो डेफिनेटली गाइस इस फेस पैक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा है फेस पैक है। गर्मियों में ये फेस पैक बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन में इरिटेशन, रेडनेस या इचिंग टाइप कुछ हो रहा है तो आप इस फेस पैक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और इस फेस पैक को आप वीक में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। और इस फेस पैक को आपने अच्छे से सूखने देना है और जब ये सूख जाए तो आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने अपने फेस पैक को वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आया है। प्लस जो मेरी नोज़ एरिया के पास, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा रहता है समर्स में खासतौर से, तो यहाँ पे ऑयल भी अब नज़र नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा एक ग्लो भी आया है। नेक्स्ट जो मेरा एक और स्टेप मैं आपको बता रही हूँ वो है एक आइस क्यूब ले लीजिए।
एक कॉटन के रुमाल में ले लीजिए, कॉटन के कपड़े में, और इसे अपनी फेस पर इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगा लीजिए, क्योंकि आईज़ भी हमारी स्किन में जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उसे क्लोज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और जो भी हमने फेस पैक लगाया होता है ना, जो उसके अच्छे अच्छे तत्व होते हैं, वो हमारी स्किन में लॉक हो जाते हैं अगर आप आइस क्यूब लगाते हैं। और आइस क्यूब भी डार्क स्पॉट, रिंकल्स को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और मैं जब भी कोई फेस पैक अप्लाई करती हूँ तो मैं आइस क्यूब लगाना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, हमेशा लगाती हूँ। तो ये देखिए मैंने आइस क्यूब भी लगा लिया है और ग्लो बहुत अच्छा है स्किन में। बस मैं अब अपने फेस को ऐसे ही छोड़ दूंगी और अब मैं अभी अपने फेस पर कोई भी मेकअप नहीं लगाने वाली हूँ। तो देखा गाइस आपने कितना इजी था इस फेस पैक को ट्राई करना और कितना अमेजिंग था। बहुत ही सिंपल सा फेस पैक है, कुछ बहुत ज़्यादा सामान जुटाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये फेस पैक अच्छा लगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और गाइस प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मुझे ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।